थाना गंज जिला रामपुर पर दर्ज मुकदमा नंबर 4/19 में। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ रामपुर में अब कुर्की के लिए मुनादी कराई जा रही है। दरअसल कोर्ट में पेश नहीं होने पर स्पेशल जज ने सांसद आजम खान, विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया था। इसके बाद जहां यूपी पुलिस ने आजम खान के रामपुर स्थित घर पर दबिश देकर कुर्की के 3 नोटिस चस्पा दिए, इसके साथ ही रिक्शे पर माइक लगाकर आजम खान की प्रॉपर्टी कुर्की का भी ऐलान करा दिया। थाना गंज जिला रामपुर पर दर्ज मुकदमा नंबर 4/19 में मिन जानिब अदालत स्पेशल जज MPMLA कोर्ट रामपुर की तरफ से मोहम्मद आजम खान वल्ड जनाब मुमताज खान वो मोहतरमा तंजीन फातिमा लौजा आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान वल्ड मोहम्मद आजम खान के खिलाफ धारा 82 के तहत इनके खिलाफ तय किया गया है कि तारीख 24/1/2020 को अदालत में हाजिर हो। आजम खान के खिलाफ सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि केस आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल जनवरी में अब्दुल्ला पर जालसाजी कर 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया था। इसके साथ आजम खान और उनकी पत्नी पर भी शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। यूपी पुलिस ने पिछले साल अप्रैल में चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद से ही कोर्ट में केस चल रहा है। सांसद आजम खान के खिलाफ अब तक करीब 80 केस दायर हो चुके हैं। 2 केसों में उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस भी जारी हो चुका है। इनमें एक केस अपने पड़ोसी को धमकाने और दूसरा मामला आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि सपा सांसद आजम खान अब तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब देखना होगा कि 24 जनवरी की सुनवाई में वो कोर्ट में पेश होते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।